हैं जो बहुत बड़े समय से हमारे बीच में है, के एस कमल साहब। के एस कमल साहब जी, आप बहुत अरसे से यहाँ आ रहे हैं और बहुत तादाद के अंदर गाड़ियाँ वाड़ियाँ लाते हैं, लेकिन आज क्या कारण है कि आज आपको जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, आज आपको बंद मिला है? पत्रकार महोदय, हम इसे दर्शन करने के लिए आए थे कि मोदी जी ने एक अच्छी चीज़ बनाई है बाबा साहब के नाम पर, लेकिन ये सब दिखावा ढकोसलाबाजी है। ये गरीब जनता जो रात को 10 बजे तक यहाँ बैठती थी, और हम सारे हर 14 अप्रैल को आते हैं, 6 दिसंबर को भी आते हैं, आज यहाँ है, गवर्नमेंट का दबदबा हो गया। गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों की है कि वो दलितों को सम्मान देना नहीं चाहते। ये बाबा साहब के नाम पे आज 14 अप्रैल को जहाँ टिकट लगता था वो भी फ्री है, बिल्कुल, लेकिन आज ये बाबा साहब का जो म्यूजियम है, बाबा साहब का जो फाउंडेशन है, वो इन्होंने बंद करके दलितों का शोषण करने का कार्य किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि 9 से 5 खुलेगा, तो ये गरीब जनता क्यों पैसा खर्च करके, किराया खर्च करके आती? अब हम इनसे, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी एक दिन में तो सारी चीज़ तैयार नहीं हो जाती। वो ठीक है, नहीं हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने जब 13 तारीख को इसको उद्घाटन किया तो 14 को ये कम से कम ये कहते 14 को 9 से 5 खुला, गया सरकारी हो गया, अब ये पब्लिक का नहीं रहा। अब ये पैसा कमाने का इन्होंने एक धंधा बना दिया बाबा साहब के नाम पर, म्यूजियम बना करके। अब ये जो गरीब जनता से टिकट लेंगे और इसके दर्शन कराए करेंगे, ये तो इसका हम विरोध करते हैं। 2019 के अंदर चुनाव आ रहा है कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉलीपॉप दे दिया बाबा साहब को, आप बहुत बड़े पैमाने पर मानते हैं, और कुछ दिन बाबा साहब को आप एक मंदिर के अंदर बिठा देंगे और मंदिर के अंदर ही आप पूजा करनी पड़ेगी, बाबा साहब को खुला नहीं आने देंगे आप लोग। ये मंदिर तो बंद कर दिया, हमारा यही तो मंदिर था, हमारे मंदिर में ताला लगा दिया सरकार ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मंदिर यही तो, बाबा साहब ने अंतिम सांस यहाँ ली थी, और हम उनके दर्शन के लिए आ जाएँ। हम यहाँ रजिस्टर पे भी साइन करके जाते थे, हमारा रिकॉर्ड रहता था, लेकिन इन्होंने गरीब लोगों के लिए, जब तक इनके मिनिस्टर आए खुला रहा, और जब गरीब जनता का टाइम हुआ इन्होंने बंद कर दिया। तो ये गरीब लोगों का शोषण ही तो, ये हमारा मंदिर जो है, हमारा तो मंदिर ये, जहाँ हमें मान सम्मान मिला, इज्जत मिला, हमारे बहन बेटी को सत्कार मिले, हमारा मंदिर तो ये। हमने मंदिर में वो पत्थर थोड़ी पूजना या गणेश की मूर्ति पर थोड़ी फूल चढ़ाने, हमने तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चल करके शांति और समता और मैत्री और बंधुता पर चल करके बाबा साहब को फूल चढ़ाने, हम फूल चढ़ाने के लिए आए थे इस मंदिर में, ये मंदिर बंद कर दिया, हमारा शोषण कर रही है सरकार। देखा गया कि कहीं न कहीं ये घाव ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है, चाहे हम एट्रोसिटी के मामलों को ले लें, कि जो सरकार कर रही है वो अपनी तरफ से नहीं कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है, कभी कानून का सहारा लेती है। एट्रोसिटी का जब मामला आया तो कानून के अंदर जो एक इनका कवच था, जो बहुजन का कवच था, अब दलित सबको हटा दिया गया, मैं डायरेक्ट कह दूं, वो कवच भी इन्होंने छीन लिया, और आज एक अभिलाषा रहती है मन के अंदर रहती है कि जिन हमें पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, और जिनके माध्यम से हम आज दिल्ली के अंदर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, आज उनके दर्शन करने के लिए आए तो देखा गया यहाँ ताला बंद मिला है, और यहाँ पूरी तौर से सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है। सिंह साहब, आपको कैसा लगता है कि आज बड़े आप मन उदास हुआ कि जब आप वहाँ पार्लियामेंट पे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबा साहब के दर्शन करे थे, और आज यहाँ जो बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, आज उनके दर्शन करने के लिए उस जो जगह थी उसको देखने के लिए आपको नहीं मिला? देखिए सर, हम तो यहाँ हमारे सभी साथी और हम भी हर साल यहाँ आते थे 14 अप्रैल के, 14 अप्रैल में आकर रात के 10 बजे तक हमने यहाँ प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और रजिस्टर में हमारे साइन है हर साल के, ये नहीं है कि भाई अब पहली बार ऐसा, अब के पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है उसमें ताला लगा हुआ है। और हमने जब पूछा है यहाँ जो हमारे साथी खड़े हैं, भाई हमारे पुलिस के जो साथी खड़े हैं उनसे हमने पूछा था, कह रही है हमारी तो, हम तो यहाँ मतलब सिक्योरिटी के बेस पे हैं, जो इसके कर्ता धरता हैं वो सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है। तो मैंने तो एक बात की थी उनसे, हमारे ACP साहब थे, हमने कहा साहब तो ठीक है वो चले गए हैं, तो कम से कम एक नोटिस तो लगा दें कि भाई यहाँ कोई नोटिस वगैरह तो बाहर नहीं चिपका हुआ, कोई लगा हुआ नहीं है, जिससे कि हम संतुष्ट हों उस बात से। इसलिए मैंने मीडिया में, मैं तो अपनी बात इसलिए कि भाई आज 10 बजे तक हम, बल्कि रात को तो वैसा हमारा रंगारंग प्रोग्राम होता था यहाँ पर, हर साल होता था, और स्टेज प्रोग्राम होता था, और हम उसे अटेंड करते थे, हमारे साथ बहुत साथी आते थे, बस उस टाइम भी आते थे, ये नहीं है कि आज हम पहली बार आ रहे हैं, हम तो बहुत साल से यहाँ आ रहे हैं।
लेकिन आज नया बना, हमें बहुत खुशी थी कि भाई मोदी साहब ने कुछ काम किया है, बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, 100 करोड़ रुपया लगाया है। लेकिन वो 100 करोड़ रुपया आपको ताला लगाने के लिए लगाया है, आपको देखने के लिए नहीं लगाया है। मेरी शिकायत ये है यहाँ पे, बैनर देखिए, बैनर हाँ, और देखिए आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल पे दूसरे, एक मिनट सुनो, दूसरा ये है, 14 अप्रैल पर आज अपमान देखिए, हमारे जो बाबा साहब का बैनर है वो भी ऊपर आधा ऊपर पड़ा है और किस तरीके से लटकाया गया ये साबित करता, और नीचे ताला और ऊपर बैनर दोनों चीज इसको साबित करती हैं। तीसरा, मैनेजमेंट हमने पूछा यहाँ साथियों से, जो हमारे पुलिस के साथी हैं, यहाँ सभी हमारे सिक्योरिटी वाले, उनसे हमने पूछा, वो कहते जी हमारी तो जिम्मेदारी की देखने की है, यहाँ कोई नहीं है अंदर, इसमें महंगे प्रोजेक्ट लगे हैं, इसलिए वो चले गए अपनी ड्यूटी करके, शाम 5:30 तक चले गए। मेरा कहना ये है कि भाई हाँ ठीक है आज चले गए, 14 अप्रैल साल में बार बार नहीं आती, एक दिन हमारा होता है, और हम ये कहते हैं जब पार्लियामेंट जो है रात के 8 बजे तक खुल सकती है हमारे लिए, तो एक हमारा अलीपुर रोड क्यों नहीं खुल सकता, क्यों नहीं बैठाए गए उनको, ओवर टाइम देकर उन्हें बैठाते, जिससे कि पब्लिक अपना देख कर जाती, ये गरीब आदमी आए अपने पैसा लगाकर, पहली बार जो है आज पहली बार हमें अपने मेरी लाइफ में तो पहली बार मुझे देखने को मिला है ये ताला जो है, और ताला है और ऊपर वो प्रूफ दिखाई दे रहा है कि देखिए बेकदरी क्या है, जो बैनर है बाबा साहब का उसे देखिए आधा ऊपर और आधा नीचे है, आप उसको देख सकते हैं, उसको मतलब देखिए उसका क्या सम्मान बाबा साहब का दिया जा रहा है यहाँ नीचे पब्लिक के लिए और बाबा साहब के लिए, जबकि आज लाइट होनी चाहिए और यहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए थी, आज कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी महंगा प्रोजेक्ट है, हमारी कुछ साथियों से बात हुई है, हमारे जो दिल्ली पुलिस के साथी हैं यहाँ, और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई महंगे प्रोजेक्ट हैं और यहाँ पर कोई नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है देखने की है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, कोई यहाँ पर कोई मैटर, कोई मतलब हमारा सूचना पट वगैरह कुछ लगाओ जिससे हम संतुष्ट होते, कि भाई आज नहीं है ऐसा, तो हम कुछ डाउट में हैं। अब ये किधर से डाउट कैसे पूरा हो ये कह नहीं सकते।